हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग है वो शूट हो रहा है यहाँ पर द्वारका सेक्टर 1 पे। और गाइस, हमारा पोपट अभी हो चुका है, हमारा निकलते ही पोपट बन गया। पहले तो भाई गाइस, बुलेट की तार टूट गई रेस की, और उसके बाद गाइस अभी देखो बुलेट की तार हम लेकर आए। उसके बाद भाई हमारा जो है बाइक भी ले गया और बुलेट की चाबी भी ले गया। तो अभी भाई को फ़ोन कर दिया, अभी भाई हमारा दोबारा वापस आएगा यहाँ पर, फिर हम बुलेट लेके अभी चलते हैं। ये देखो काम हो रहा बुलेट में, देखो अभी हमने वायर डलवा लिया इसको। अब भाई का करते हैं वेट, क्योंकि चाबी लेके चला गया इसकी। तो अभी इसको फ़ोन करता हूँ, अभी फ़ोन करके दोबारा बुलाता हूँ उसको। वो मेरी आरएस ले गया और इसकी बोला लेकर आ जाना, फिर चाबी ले गया इसकी। तो फाइनली गाइस, अभी जो है यहाँ से हम निकल चुके हैं, बुलेट हमारी रेडी हो गई, वो देख सकते हो आप, आगे जा रही है। और गाइस देखो, हमारे साथ इतना लूट मच रही है यार यहाँ पे, बताओ। एक तार डालने की, सिर्फ तार डालने के 200 रुपये मांग रहा है बंदा। तो यार ठीक है, अगले ने काम करा, बट यार इतना भी नहीं लूटना चाहिए। और ये लोकल है, हमारे पास के पड़ोस के बंदे हैं ये, फिर भी इतना लूट रहे, बताओ। 200 रुपये मांग रहे केबल डालने के थे, जबकि केबल हमने खुद लाया है, इसके पास केबल नहीं थी, हम जाकर लेकर आए हैं केबल और दिया, इसे सिर्फ डालने के 200 रुपये मांग रहा है बंदा, बताओ यार। चलो कोई बात नहीं गाइस, अब तो हमारा काम हो चुका है, तो अभी निकलते हैं हम एक प्यारे सी राइड पर। ठीक गाइस, निकले थे हम बहुत ही अच्छे मूड में, बट उस टाइम धूप भी थी गाइस और वायर टूट गई। बट कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप मौसम देख सकते हो, आप मौसम एकदम ही मस्त हो रहा है। बाकी देख सकते हो आप यहाँ का लोकेशन, ये कुछ इस तरह का है। और यार आजकल तो पता है काम वाम बिल्कुल है नहीं लोगों पर, तो लोग सोचते हैं जो भी एक कस्टमर आया उसको बस काट लो, अपनी दिहाड़ी एक बंदे से ही बना लो। एक कस्टमर आया बस उससे ही साड़ी पूरी दिहाड़ी बना लो। बंदा बैठा हुआ था, हमने उसे काम दिया, वरना हम इसे और भी जगह ले जा सकते थे। वो तो पेट्रोल पंप पे था बंदा बैठा हुआ था, तो हमने उससे पूछा तो वो बोला भैया वायर ला दो, हम डाल देंगे। तो मैंने ला दिया और वो डाल दिया उसने। तो उसने सोचा पूरे दिन की दिहाड़ी हम इनसे ही निकाल लें, बट चलो कोई बात नहीं, हमने उसे पैसे दे दिए। उसने काम कराया तो हम उसे निराश तो नहीं करेंगे, हमने उसे पैसे दे दिए। और आज जो है बहुत दिनों के बाद हम निकले हैं एक राइड पर। सभी जानते हो कि इतना तो टाइम होता नहीं हमारे पास कि हम वीडियो शूट कर पाएँ, तो वीडियो तो हमारी बहुत ही कम आती है गाइस। हफ्ते में एक ही एक या दो वीडियो ही आ पाती है, बट गाइस कोशिश करता हूँ कि मैं रेगुलर वीडियो डालूँ, बट हो नहीं पाता, क्योंकि गाइस हमारे पास टाइम ही नहीं होता यार, काम इतना होता है। और आप तो जानते हो गाइस कि एक मिडिल क्लास का लड़का जो है, जो एक मिडिल क्लास का बच्चा होता है, वो उसकी लाइफ कैसी होती है, वो अगर एक दिन काम ना करे तो गाइस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है घर में। इस वजह से जो है गाइस हमें काम करना पड़ता है, जब तक काम नहीं करेंगे काम नहीं चलेगा गाइस। तो इस वजह से काम पहले, वीडियो तो चलो टाइम निकाल के पार्ट टाइम में वीडियो शूट कर लेते हैं। ये देखो गाइस, हमारी बत्ती ग्रीन हुई और ये शिफ्ट वाला चला गया। गाइस देख सकते हो यहाँ की हरियाली कितनी अच्छी लग रही है, कितना मस्त जगह है ना द्वारका, एकदम शांति इलाका है, बिल्कुल शांत। देख रहे हो, बिल्कुल भी यहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं है, कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पर। तो मौसम भी इतना मस्त हो रहा है ना, इतना प्यारा सा मौसम हो रहा है गाइस, मज़ा आ रहा है इसमें वीडियो शूट करने में। ब्लॉगिंग के लिए यही निकले थे गाइस, बहुत ही ज़्यादा धूप थी। अभी यहाँ पर आ गई बत्ती, तो अभी हम रुक जाते हैं रेड लाइट पर। तो आज जो है मैंने बहुत दिनों के बाद ये बैटमैन अपना निकाला है, क्योंकि गाइस मैं बैटमैन ना बहुत कम निकालता हूँ, क्योंकि मैं स्कूटी पर ही रहता हूँ, स्कूटी से ज़्यादातर काम करना होता ना, तो मैं स्कूटी ही निकालता हूँ, निकालता नहीं हूँ। बाइक सिर्फ राइड के लिए निकालता हूँ, बाकी ये खड़ी रहती है, बस एक हफ्ते में एक दो बार निकाल लेता हूँ, निकाल लेता हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं कुछ इस तरह की जगह पे, जो कि देख सकते हो हम अभी द्वारका सेक्टर 21 पर। अभी तो मेरे पास इतना भी टाइम नहीं हो पाता कि मैं अपने बैटमैन में थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन करवा पाऊँ। मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ इसकी मॉडिफिकेशन के लिए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा, टाइम नहीं मिल पा रहा, इस वजह से मैं इसकी मॉडिफिकेशन करवा नहीं पा रहा हूँ। बट गाइस देखते हैं, कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं इसकी मॉडिफिकेशन करवाऊं थोड़ी बहुत। मैं जो है अपना बैटमैन बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो रखी है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा इसकी मैं जो थोड़ी बहुत ही करवाऊं। ये देख सकते हो गाइस, ऊपर फ्लाइट उड़ रही है, देखो वो मुड़ रही है कैसे, देखो कैसे टेरी सी हो रही है, एकदम पंछी जैसी, वो देख सकते हो। मेरे पास इतना अच्छा सेटअप तो नहीं है, और ना कोई इतना अच्छा स्पोर्ट्स बाइक लेने की क्षमता है अभी, जो मैं कोई स्पोर्ट्स बाइक ले सकूं। तो तुम्हारे भाई ने ये अपनी मेहनत से खरीदी है, और अपने मेहनत की कमाई का जो भी होता है ना गाइस,
वो किसी सुपर बाइक से कम नहीं होती। तो गाइस मैं चाहूँगा कि आप लोग यार सपोर्ट करो और वीडियो पे थोड़ा प्यार दिखाओ यार, क्योंकि भाई लोग तुम्हारे भाई को ना बचपन से ही बाइक का बहुत शौक़ है। तो जब ऊपर वाले की दुआ है और मेरे मेहनत का फल है ये जो आज मेरे पास आप देख रहे हो, जो RS 200 लेके चल रहा हूँ मैं। मैंने अब इसके लिए बहुत हार्ड वर्क करी है गाइस, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करी है, बहुत मेहनत करी है, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। यार एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का के लिए बहुत बड़ा सपना होता है कि एक बाइक ले सके वो। तुम्हारे भाई ने यार बहुत मेहनत करी और मेहनत करने के बाद ये देखो आज तुम्हारे सामने है मेहनत का फल। तो गाइस आप लोग जो है वीडियो को प्यार दिखाओ, थोड़ा सा सपोर्ट करो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में जो भी है उनको शेयर करो। बाकी तो गाइस तुम्हारा भाई मेहनत कर ही रहा है, जब भी मौका मिलता है तब तुम्हारा भाई ब्लॉग शूट करता है। ये देख सकते हो ये आर्मी वाले खड़े हैं यहाँ पर। ये गाइस डमी है, ये द्वारका में लगाया गया है अपनी रेड लाइट की बत्ती पे। ये तो सब देखो बत्ती क्रॉस करके जा रहे हैं यहाँ पर से, मतलब यार पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी, लोगों को सब्र नहीं है। ये देखो तो अभी बच। और गाइस मेरा मेन मकसद है ब्लॉगिंग का अपने टूरिज्म को प्रमोट करना, अपने इंडिया को प्रमोट करना। बस दिल्ली में ना गाइस एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ना हर 10 कदम पे रेड लाइट मिलेंगे, हर 10 कदम पे रेड लाइट, और इसी की वजह से गाइस जाम भी लगता है, बहुत ज़्यादा जाम लगता है यार कसम से। अगर किसी को कहीं जाना हो ना इमरजेंसी में तो जा नहीं सकता, वो इतनी रेड लाइट है। अब रेड लाइट जंप तो कर नहीं सकते गाइस, तो रेड लाइट पे रुकना पड़ता है, इतने सारे रेड लाइट है। ये देखो अभी पीछे रेड लाइट आया था, 10 कदम पे ये दूसरा रेड लाइट आ गया। बस एक चीज़ अच्छा है कि रेड लाइट पे, हर रेड लाइट पे कैमरे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा डर के चलते हैं, वरना तो यहाँ तो रेड लाइट पे भी ना रुके लोग। तो देखो भाई अभी जो है भाई ने मेन रोड छोड़ के सर्विस रोड पे ले लिया है कि इधर कोई रेड लाइट नहीं है, अब इधर से चलो नॉन स्टॉप चलेंगे इधर से। बट गाइस कट पे तो रुकना ही पड़ेगा, कट पे भगा तो सकते नहीं है। ये देखो स्कूटी वाले को कैसे चला रहा है। तो फाइनली अभी जो है हम आ चुके हैं गांव के अंदर, जो कि देख सकते हो ये कुछ इस तरह का है, और ये अपने देश की शान तिरंगा लहरा रहा है यहाँ पर। देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे साइकिल चलाते हुए, बहुत अच्छे लग रहे, बहुत खुश हो रहे देख के। तो फाइनली दोस्तों अभी जो है हम यहाँ पहुँच चुके हैं द्वारका मोड़, ये देख सकते हो कुछ इस तरह की जगह है, काफ़ी जाम है यहाँ पर। तो दोस्तों अभी जो है तुम्हारा भाई बहुत ही जल्द जो है अपना वो GoPro मंगाने वाला है, क्योंकि गाइस GoPro की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, GoPro के बिना काम नहीं चलता। तो GoPro अभी तुम्हारे भाई को लेना पड़ेगा, तो वो तुम्हारा भाई बहुत ही जल्दी मंगवाने वाला है, जिसकी अनबॉक्सिंग ज़रूर दिखाएगा तुम्हारा भाई आप लोगों को। मंगाने के बाद मैं अनबॉक्सिंग करूँगा तो ज़रूर वीडियो डालूँगा उसकी मैं, आप लोग मुझे कमेंट पकड़ के बताओ कौन सा लेना चाहिए। फर्स्ट सजेशन आप लोगों का चाहिए कि वो आप लोग बताओ कि कौन सा मुझे लेना चाहिए अभी जो कम बजट में, गाइस जो कम बजट में आ जाए, क्योंकि गाइस मिडिल क्लास का हूँ, मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं कोई महंगा कैमरा अफोर्ड कर पाऊँ। तो कोई लो बजट का आप कैमरा मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि मुझे कौन सा कैमरा लेना चाहिए अपने मोटो व्लॉगिंग के लिए, तो आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट में बता देना कमेंट करके कि क्या कौन से कैमरे लेने चाहिए मुझे। तो देखते हैं फिर वही मैं उसके फीचर पढ़ के उसके बाद मैं वही कैमरा मंगवाऊंगा। ये देख सकते हो गाइस बस वाले को कितना गलत मोड़ रहा है, कहाँ था कटर कहाँ आया ये। तो ऐसा भी हम आ चुके हैं नजफगढ़ रोड पे, और नजफगढ़ रोड पे देख सकते हो कितना तगड़ा जाम लगा हुआ है, और ये रिएक्शन चेक करो। लोकेट द गाइस अभी हम आ चुके हैं कुछ इस तरह की जगह पे, ये देख सकते हो इस तरफ नाली है गाइस, ये बहुत ही बड़ा नाला है, ये जो दिल्ली का जितना नाला है, जितने भी सीवर के पानी आते सारे इसमें आते हैं, इससे जाते हैं वहाँ मेन नाले में। तो देख सकते हो इसी वजह से ये दीवार किया हुआ है, बाकी इस तरह आप देख सकते हो जंगल है,
जो कि डिवाइडर कर दिया गया है और उसके ऊपर भी रेलिंग लगा दी स्टील की। देख रहे हो गाइस स्टील की रेलिंग इस जगह पे। और ये देखो बचपन के मज़े ले रहे बच्चे लोग, ग्राउंड बनाया हुआ जिसमें सब क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये देखो गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, दीवार पे चित्र बनाया हुआ है। ओहो गाइस पटाखे के एक अलग ही फायदे हैं। देखो भाई चलते चलते पटाखे मार रहा है। तो ऐसा भी जो है हम यहाँ से फंस चुके हैं, ये रोड आगे से बंद है, हमें यू टर्न लेना पड़ेगा नहीं तो बहुत लंबा जाना पड़ जाएगा हमें इधर से। भाई ने हेलमेट उठा रखा था क्योंकि इसके हेलमेट में बेल्ट नहीं है, इसका हेलमेट उठ जाता है इसलिए उसने पकड़ रखा है हेलमेट, इसी वजह से वो बार बार उतार देता है हेलमेट को। बट ऐसा नहीं है कि हेलमेट नहीं पहनते हम लोग, हेलमेट हमेशा पहनते हैं, बिना हेलमेट के हम लोग कहीं नहीं जाते। वो हेलमेट उड़ जा रहा है इसलिए उसने पकड़ रखा है और उतार लेता है इसी वजह से वो, क्योंकि उसे बाइक पे बैठने में डर लगता है। दिस इज द थार गाइस, थार ये सबके दिलों का राजा है ये थार। ये देखो है पटाखे। तो गाइस अभी जो है हमें मिल चुकी है खाली रोड। तो गाइस अभी यहाँ आके ऐसा लग रहा है, फील आ रहा है कि गांव में आ चुके हैं, क्योंकि देखो गाइस वन वे रोड, दोनों तरफ की गाड़ियाँ चल रही है और दोनों साइड से पेड़ ही पेड़। देखो कितने लंबे लंबे पेड़ है, बिल्कुल सीधे सीधे लंबे लंबे पेड़ है गाइस। ये बात देखो बैक फायर, देख रहे हो गाइस पटाखे मारते बैक फायर कैसे निकलती है। तो फाइनली दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं कुछ इस तरह की जगह पे, जो कि देख सकते हो आप पूरा गांव है ये, दिल्ली के अंदर ही गाइस बट ये गांव है और बहुत ही अच्छा गांव है ये। तो भाई लोग इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलता हूं आपको फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ गाइस अगर वीडियो में आपको कोई भी पार्ट अच्छी लगी हो तो उस पर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, कोई बुरी लगी वो भी आप बता सकते हो। और अगर मैंने जो पूछा था आपसे कि कैमरे लेने हैं मुझे, कौन सा कैमरा लूँ जो कि लो बजट में हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो मैं वो कैमरा लेने वाला हूँ और मैं मंगा लूँगा वो कैमरा। आप लोगों का सजेशन चाहिए आप लोग मुझे सजेशन दे सकते हो। और वीडियो में प्यार बनाओ रखो। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी मस्त सी वीडियो में, तब तक खाते पीते हंसते हंसाते ऐसे प्यार बरसाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टाटा बाय बाय।